तो गाइस देखिए भाभी जी के हाथों का बना हुआ हमारा पहला गुजिया तैयार हो चुका है। दिखाई भाभी। तो गाइस अभी मैं और आदि गए थे नीचे, और नीचे से गाइस अभी लेके आए हैं मावा, क्योंकि गाइस अब होली स्पेशल आज से भाभी बनाना स्टार्ट किए हैं कुछ कुछ चीजें। तो अभी चलिए भाभी को देखते हैं क्या क्या बना रही, और इसी के साथ आपको मिलवाते हैं भाभी से। तो मेरी प्यारी भाभी क्या बना रहे हैं वैसे आप? ये जहाँ बेडशीट सब रहता है अभी क्या बन रहा है? गंजी है खराब से लेके ऐंठ बन रहा है ऐंठ। भाभी से पूछते क्या बन रहा है भाभी? भाभी गुजिया। हाँ आप लोग को बताना भूल गए, हम बहुत चीज याद करके आए थे। पता है भाभी मार्केट में गुजिया कैसे किलो है? जहाँ हम लोग दूध लेने गए थे, मतलब मावा लेने गए थे, उस दुकान में बिना चाशनी वाला 650 रुपये और चाशनी वाला 750 रुपये किलो गुजिया। तो इससे बढ़िया आदि घर में बन रहा है गुजिया। बाप रे बाप, कि तो क्या खर्चा ही गुजिया बनाने में बताइए। इसको पता कैसे रखिए, इसको गोल मतलब जैसे करते हैं उसको कर दीजिए, और थोड़ा सा फॉर्चून उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ में लगा के ऐसे ऐसे मार दीजिए, तब इसको रख दीजिए। वाह वाह, ये तो आपका पीठ का ही ना सवासी दे थोड़ा सा। जिसके लिए आप चीज कर रहे हैं ना उससे ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुजिया के लिए गाइस ये सना रहा है मैदा, और ये हम लोग अभी लेके आए हैं मावा। वैसे भाभी घर में बना लेते हैं, बट बना सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा दूध ज्यादा खपत है, इससे बढ़िया बाहर से खरीद के लाओ। क्या किसका गंजी आप ही का है क्या? तो गाइस देखिए अब भाभी यहाँ पे गुजिया बनाने का प्रोसेस कर चुकी है स्टार्ट। ये देखिए सूजी फ्राई करके रखा हुआ है, और इसमें क्या क्या है भाभी? ड्राई फ्रूट और थोड़ा सूजी और मावा। मावा नहीं मेवा होता है, मावा बोला दुकानदार, उसका स्वर खराब होगा। होली में एक बात है, गुजिया बनता है तो अच्छा लगता है खाने में होली में। क्या तो चीनी रेगिस्तान दिखाऊंगा कहाँ दिखाई, लेकिन हम लोग हमेशा से वो खाए हैं पिड़ुकिया। पिड़ुकिया सूखा सूजी भर भर गिरता था। मैं तेरे को रेगिस्तान दिखाता हूँ। खोवा वाला भी असली पेड़ क्या वही होता है मुझे। खोवा वाला भी अच्छा। तो गाइस देखिए अंदर का स्टफ अब बन रहा है इसका। तो इसमें भाई खांड जो रखवा रहे हैं। तो नीतू इसका मशीन कहाँ है? ऐसे यही रेगिस्तान फैल रहा है यार। कहाँ फैल रहा है? रेगिस्तान दिखा रहा देख, रेगिस्तान जब आंधी तूफान आता है ना कैसे होता है रेगिस्तान में ना, जैसे हम सुने कि राजस्थान में पानी का कमी है, लेकिन ये रेगिस्तान को जो है ना अब लोहे लोहे पानी से हिला सकते हैं। तो है हाँ, रेगिस्तान को जो है ना पानी पानी कर देंगे। देखो भैया को मिल गया टेस्ट करने के लिए। जल्दी 2:30 बज गया है। और क्या कल ऑफिस नहीं है इसका, क्या 12 बजे थोड़ी सो के उठेंगे हम? क्या भाभी सही गलत कैसा लग रहा है? आदि को तो करंट मार दिया इसी दिख क्या रहा। क्या और इसमें कमी है? ड्राई फ्रूट नारियल क्या? इसके अंदर थोड़ा सा नमक का कमी है। अच्छा, स्टफ अच्छा है। हाँ नहीं तो दीदन भाई और खा ले। खा ले मसाले खाने दो ना। कैसा लगता है दिखाई ना? हम भी खाते हैं, हम खाएंगे जरूर। क्या नमक बता देंगे? हम भी खाते हैं, वही दूध है, चीनी डाल के खा लो दोनों लोग। हम भी खाते हैं गाइस, कैसा लगता है? उसको क्या अभी वो बचेगा तो तुम ही लोग को मिलेगा खाने, पहले गुजिया तो स्टफ ना कम पड़ जाए। तंठो चीनी मिला के खा के देखते हैं कैसा टेस्ट। ऐसा करें क्या? थोड़ा सूजी और तो दे दिए भैया, देखिए ना थोड़ा और सूजी दे क्या? नहीं ठीक है, ऐसे ही सूजी सूजी लग रहा है बहुत ज्यादा। मावा और मिलाइए, तो चीनी वो मीठापन बहुत अच्छा है, अब इससे ज्यादा मत कीजिएगा वरना बहुत ज्यादा लगेगा मीठा। मिलाइए भाभी आप बहुत अच्छा, नहीं सब बनाते एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत अच्छा करते हैं, डेली कुछ ना कुछ बनाए कीजिए। तो गाइस देखिए अब ये मैदा जो गुजिया के ऊपर का लेयर बनने वाला है, ये अभी बन रहा है। देखिए थोड़ा मोटा रखिए भाभी इसको, जो बेलना है वो मोटा मोटा थोड़ा अच्छा लगेगा, फटेगा नहीं। तो गाइस देखिए भाभी जी के हाथों का बना हुआ हमारा पहला गुजिया तैयार हो चुका है। दिखाई भाभी ये देखिए एकदम सक्सेसफुली मिशन अकम्प्लिश्ड। वाओ मस्त लग रहा है देखने में गाइस। ऐसे ही हम लोगों को भी पूरा प्लेट भरना है वाला, इतना सारा लोहिया बना हुआ है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। भाभी बिल्कुल फास्ट एक्सप्रेस जैसा बेल रहे एकदम। कौन सा एक्सप्रेस? शताब्दी की राजधानी है आप? दुरांतो वंदे भारत है। बाप रे बाप, न्यू दिल्ली दुरांतो एक्सप्रेस। हाँ सुपर फास्ट दुरांतो ना, ये वंदे भारत एक्सप्रेस। हाँ लोई दीजिए ना थोड़ा ना तो, नारम। चलिए गाइस फटाफट से कुछ बनाते हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, तो इस रूट की सभी लाइनें बहुत फास्ट है। तो
फिर तो गाइज ये देखिए भाभी यहाँ गुजिया का भर रही है बिल्कुल कंटिन्यूसली पिछले 2 घंटे से। तो भाभी कितना बार आटा सान लिया अभी तक? बताइए बार बार बेचारे घट जा रहा है क्या किया जाए। चलिए कोई नहीं बना रहे बातें, बाकी भैया यहाँ पे तल रहे हैं। देखिए मेरे भाभी और दोनों का तलने का था, भैया यहाँ पे तल रहे हैं और देखिए ये भैया के मस्त तलाया है लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है। तो हो गया प्रोडन, वाह अब तो स्किल्स बहुत तगड़ा है आपका। ये मेरा तला हुआ है गाइस, देखिए यहाँ पर रखा हुआ मेरा और भाभी का दोनों लोग का तला हुआ है यहाँ पे, मस्त बिल्कुल। ये भी क्रंची है अभी भी तला हुआ, 1 घंटा करीब हो चुका है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। वो देखिए चिरांद को लैपटॉप में बिजी है उधर। ओ भाई तो क्या हाथ चल रहा है कीबोर्ड में, वाह बाबा खूब तेज। बस बहुत हुआ प्रलाप, मन कर रहा नीमके बनाएंगे तुम लोग अगर सपोर्ट बन गया, वाह बना ही लेंगे, बना बना ही बना लेंगे। हां सबमिट किया है वहां मोदी जी के घर में, क्या बना वोटर आईडी बना दी है, सबमिट हो गया फॉर्म मेरे नाम से। वाह रात हो गया तो धीरे तुम लोग बात करो। हां धीरे बोलिए, इतना तेज क्या बोलते हैं। तो गाइज अभी हमारा गुजिया बन के हो गया है तैयार, और उसके बाद गाइज गुजिया बनते बनते ही भाभी हम लोग का रात का डिनर चढ़ा दिए थे बनने के लिए। तो हमारा डिनर भी बन चुका है गाइज, और अभी सब लोग बैठ के डिनर करने के लिए। तो गाइज आज बना है बिल्कुल हेल्दी सा खाना, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या बना है डिनर में आज। तो ये देखिए गाइज आज डिनर में बना है खिचड़ी एंड अचार, और साथ में है ये पापड़। तो सब लोग बैठ के खा रहे हैं, देखिए इधर आदि मैं भैया भाभी सब लोग। तो चलिए फटाफट से अब खाना खाते हैं, तो आपसे मिलते हैं गाइज थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। तो गाइज मस्त रात का डिनर करने के बाद मैं आदि और भैया तीनों लोग बैठ के मूवी देख रहे थे अभी। तो गाइज अभी जस्ट मूवी ख़त्म हुई है, अभी रात के बज चुके हैं 1:30। भाभी तो बहुत पहले ही सोने चले गए थे, बट मैं और आदि 2:40 मतलब 1:45 के आसपास हो गया, थोड़ा सा लेट ही है। तो भैया तो अभी चले गए, मैं और आदि भी आ चुके हैं सोने के लिए गाइस। तो रेत लेट काफ़ी हो गया, रात भी काफ़ी हो गई। तो चलिए गाइस आज इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लोग बाय, गुड नाइट।